हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को दोनों साइड से एक ही तरह के दिखने वाले बॉर्डर का डिज़ाइन बताने वाली हूँ, जो बॉर्डर दोनों साइड से एक ही तरह के दिखने में लगते हैं और देखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है, जो दो सिलाइयों का डिज़ाइन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन बनाना। तो आप जितना फंदे डालना चाहते हैं उतना फंदे डाल करके बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ सीधी साइड है। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, मैं साइड वाले फंदे को सीधा बना ली हूँ। आप चाहो तो इसे स्लिप भी कर सकते हो। तो मैं सीधा बना ली हूँ। उसके बाद देखिए, एक फंदे, ये जो फंदे हैं इसके नीचे में ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें सिलाई को डालना है और एक फंदे इससे ऐसे करके बना लेना है, इसे स्लिप कर लेना है। धागा को आगे डालना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे, इसमें सिलाई नहीं डालना है, इसके नीचे में ये छेद है इसमें सिलाई डाल करके एक फंदे सीधा बना लेना है। ये देखिए, एक फंदे मैं सीधा बना ली हूँ। उसके बाद इस फंदे को स्लिप कर देना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। ये देखिए, ये चोटी की तरह ये दिख रहा है, इसमें सिलाई को ऐसे करके डालना है और एक फंदे बना लेना है, धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसमें सिलाई को डाल करके एक फंदे बना लेना है और इसे स्लिप कर देना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाना है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट करना है। बहुत ही खूबसूरत सा ये बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैं एक सिलाई यहाँ बना ली हूँ, लास्ट में आ चुकी हूँ। ये मैं पूरी बना करके आप सभी को फिर दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं उल्टी साइड से सेकेंड रो में आ चुकी हूँ। तो सेकेंड रो में क्या करना है, साइड वाले फंदे को सीधा बना लेना है। मैं सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए, ये सीधा फंदा है, तो सीधा फंदा में क्या करना है, इसमें सिलाई को नहीं डालना है, इसके नीचे सिलाई डाल करके एक फंदे को सीधा बना लेना है और इसे स्लिप कर देना है, धागा आगे। और ये देखिए, ये उल्टा फंदा है, तो इस फंदे को मैं उल्टा बना लेती हूँ, धागा पीछे, और ये चोटी में, ये चोटी वाला फंदा है तो इसकी चोटी में ऐसे करके नीचे वाले में सिलाई डाल करके वन फंदा बना लेना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये चोटी में सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। दोस्तों, ऐसे ही पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करना है। दोस्तों, ये दो सिलाइयों का बॉर्डर डिजाइन है, बस बहुत ही आसान सा है, झटपट से बन के तैयार हो जाता है और दिखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये देखिए, ऐसे ही पूरी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करना है। दोनों साइड से एक ही तरह से बनाना है, जैसे सीधी साइड से बनाना है वैसे ही उल्टी साइड से भी इसे बना करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, मैं पूरी सिलाई यहाँ कंप्लीट कर ली हूँ। सीधी साइड से मैं आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनना स्टार्टिंग हो चुका है। ये मैं कुछ बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ। बनाना बस वैसे ही है, एक फंदे को सीधा बनाना है, ये साइड वाला स्टिच है। उसके बाद देखिए, ये सीधा फंदा है, इसके नीचे में सिलाई डाल करके एक फंदे को सीधा बना लेना है, धागा आगे, एक फंदे को उल्टा, धागा पीछे, ये चोटी वाला फंदा है तो इसके नीचे में ऐसे करके सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये चोटी में सिलाई डाल करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरीके से मैं कुछ बड़ा बना करके आप सभी को दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर ये बॉर्डर बनके तैयार हो चुका है और ये कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर बनके तैयार हुआ है। ये है सीधी साइड और ये देखिए, ये है उल्टी साइड। दोनों साइड से एक ही तरह के ये दिखने में लगते हैं, बहुत ही सुंदर, एकदम उभरा उभरा सा ये डिज़ाइन बनके तैयार होता है। तो आप इस बॉर्डर डिज़ाइन को और प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर डिज़ाइन लगता है।
दोस्तों यदि आप सभी को ये खूबसूरत सुंदर और आसान सा बॉर्डर डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि कोई नए हैं चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं लेटेस्ट और नए नए स्वेटर का डिजाइन बताऊँ, बॉर्डर का डिजाइन बताऊँ, वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सके और बना सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डिजाइन और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।